शनिवार को बैलीपार थाना क्षेत्र रोड पर तेज गति से बनारस की तरफ जा रही जनरत बस यूपी 6504 88 मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर महिला की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष बैलीपार जगत नारायण सिंह और उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए बस और परिचालक को हिरासत में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर से आ रही जनरत बस बैलीपार से आ रहे एक मोटरसाइकिल जिस पर दो महिला और एक बालक सवार को उच्च गांव के पास ठोकर मार दी। मौके पर सहजनवा निवासिनी प्रमिला पत्नी लाल बच्चन उम्र लगभग 30 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया। महिला अपने पति लाल बच्चन एवं मां के साथ बगाहबीर बाबा मंदिर कौड़ीराम से अपने मायके भगवानपुर जा रही थी। रास्ते में यह हादसा हो गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतिका के पति लाल बच्चन ने बताया, सदर में इमरजेंसी में है अभी सदर में। हाँ जल्दी आइए आप लोग। लाल बच्चन क्या हुआ आपके साथ? हम उधर से बेली पार गए थे, वहाँ से हम लोग आ रहे थे बगाबीर के स्थान से, वहाँ रोडवेज वाला हमको मार दिया साइड। कितने लोग थे आपके साथ? हम तीन लोग थे। कौन कौन था आपके साथ? हमारी मैडम थी और हमारी सास थी। क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद मैडम के हमारे ऊपर सीधे बसें चढ़ गई। लाल बच्चन बताइए क्या हालत है अभी? हालत क्या है? हालत क्या, वो इंस्पायर हो गए, सुन रहे हैं अभी, हम क्या बताएं आपको। और माता जी के क्या? माता जी तो ठीक है शायद। कहाँ गए थे आप लोग? गए थे शादी का था, वो देख दिखाइया था लड़कों का, लड़की लड़की का देख दिखाइया था, उसी में गए थे हम लोग।